नमस्कार जी, गजैल किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने लगी थी पास्ता इंडियन स्टाइल से, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल बाहर की कोई चीज खानी नहीं है, घर ही में कुछ ना कुछ बनाना है। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ना अपने जरूरत के हिसाब से तीन लोगों के लिए, तीन चार लोगों के लिए ये पास्ता मैंने बॉयल कर लिया है। मैंने कहा अगर मैं आपके बॉयल करते हैं अभी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये थोड़ा सा मेरे पास कॉर्न था, मैंने इसको भी बॉयल करके रख लिया है। ये देखिए, छह मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज काटा है, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, नमक रखा है, चिली फ्लेक्स है, और ये टमाटो सॉस है, ये भी होम मेड है, और थोड़ा सा विनेगर इसमें डालूंगी। 10-20 कली लहसुन की मैंने महीन पीस ली है, और ऑरिगेनो है, ये डालूंगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है, ये डालेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं इसको। ये देखिए, मैं तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालती हूँ। देखिए पहले प्याज डालेंगे, इसको बिल्कुल हल्का सा करेंगे सौते, तो बिल्कुल क्लीन करेंगे और वो भुनेंगे नहीं, बस ऐसे कच्चा कच्चा ही रखेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज को बस इतना सा ही अभी भुना है, तो इसमें ये गार्लिक भी डाल देंगे। देखिए, मैंने इसमें थोड़ी देर हुई है गार्लिक डाला है, कोई 2 मिनट हुए हैं, बस अब इसमें ये जो कटे हुए टमाटर थे ये डाल देंगे। और उसी के साथ इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी मैश हो जाए। देखिए जरूरत के हिसाब से डालेंगे ये नमक, और टेस्ट करके कम ज्यादा होगा तो डाल लेंगे। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना का दौर जो है बड़े विकराल रूप में चल रहा है इस टाइम, तो सबको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, बाकी ईश्वर से प्रे करनी है। तो सारे लोग उस गाइडलाइन का जरूर ध्यान रखें जो कोरोना के बारे में बताई गई है, आप सभी को मालूम है। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और डबल मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और ईश्वर से प्रे करें कि वर्ल्ड से ये जल्दी से बीमारी ईश्वर इसको खत्म करे और सभी लोग सुखी और समृद्धि हो जाएं पहले जैसे। और देखिए, इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि ये पकने में कच्चापन ना आए, टमाटर के कच्चेपन की स्मेल ना आए, इसलिए इसको अच्छा सा एक सॉस के जैसे बना लेंगे, टमाटो प्यूरी जैसे बना लेंगे इसको अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा काफी पक गया, थोड़ा क्या काफी पक गया। अब इसमें जो इसके मसाले हैं इसके मुताबिक जो डालूंगी, डालते डालते तो कसर होगी, इतना और पक जाएगा। दोस्तों, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने आज ये बनाया है। बच्चे खाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता, जब वो बनाएंगे तो फिर उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी, इसको तो बाद में डालेंगे। इसमें मैं पहले थोड़ा सा ना चिली फ्लेक्स डालूंगी, ये होम मेड है, आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं यही डालती हूँ। जरूरत के हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्ची, नमक हम डाल चुके हैं। तो आप पता नहीं धनिया पाउडर डालते हैं कि नहीं, मैं डालती हूँ मेरे तरीके से, एक बार जरूर बना के देखें आपको, उसमें बहुत मजा आएगा। आज चीज नहीं है हमारे पास, अगर चीज हो ना तो चीज भी आप डाल सकते हैं, क्यूब्स हो या कुछ भी, कोई भी चीज हो किसी भी तरह की, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ये डाल रही हूँ टमाटो केचप, ये भी होम मेड है। इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए, ये इसका मसाला जो पास्ता मसाला है, ये छोटा वाला डाल दिया एक पूरा, इसी
कैसे इसका टेस्ट बनता है ये तो आप सभी को पता ही है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्न जो मैंने बॉयल करके रखे हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, हमारे यहाँ थोड़ा ये शिमला मिर्च नहीं डालने दिया, कहते हैं कि सब्जी लगेगी बताइए, इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। और अब इसमें ये पास्ता डाल देंगे जो हमने बॉयल करके रखा था, और इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इतना सा इसमें एक ये छोटा चम्मच विनेगर का भी डाल देती हूँ, हर बार डालती हूँ तो मैंने आज भी डाला है। देखिए दोस्तों, ये ओरिगेनो है और ये हर्ब्स है, मैंने इसमें थोड़ा सा मिला लिया दोनों को, और इसको मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा कम पसंद है, लेकिन मैंने डाला थोड़ा क्योंकि बच्चों को पसंद है। इसलिए आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। मैं आपसे कहूँगी यही कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएं, और हमें कमेंट्स में बताएं भी कि आपकी रेसिपी कैसे लगती है। अभी देखिए लास्ट में थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डालेंगे, और आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम अमूल की या आप डाल सकते हैं, और अगर आपको पसंद हो तो आप चीज़ भी इसी में डाल सकते हैं। ये फिर आपको दोनों तरह का मज़ा देगा, और एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार बना के देखें और हमें बताएं। देखिए दोस्तों, ये पास्ता बनके तैयार है, मैंने सर्व कर दिया है, और आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं, खाएं और घर में खिलाएं, और हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि हमारा भी थोड़ा हौसला अफजाई हो। बाय बाय, फिर मिलेंगे कल किसी नई रेसिपी के साथ।